Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. And today we are discussing some very important points for OET coaching, which are very important because, you know, as I have always told you that OET mein sabse zyada aapki grammar matter karegi. So please, this video ko dhyan se dekhna, 10 baar, 100 baar, ye aapki marzi hai. Agar aap 100 baar bhi dekhoge, to bhi main aapko nahi kahunga ki aapne zyada dekha. Mere ko lagega aapne theek kiya. अगर आपने 100 टाइम वीडियोस देखी है, बिकॉज ये छोटी छोटी गलतियां ही आपको नंबर्स दिलवाती हैं और आपके नंबर्स कटवाती हैं. तो आपके लिए बहुत जरूरी है इन गलतियों को ठीक करना और इनको इम्प्रूव करना. सो दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट्स प्रेजेंटिंग यू टूडे द थिंग्स अबाउट ग्रामर एंड ओईटी. ग्रामर सिंपल सिंपल चीजें करेंगे, आप सबको आता है. तो मैं आपको इतने सिंपल वे में बताऊंगा, मतलब जो आपको हमेशा याद रहेगा. सबसे पहली चीज, ही शी इट जो होते हैं वो हमेशा एस के साथ होते हैं. कहने का मतलब क्या है, प्लीज अच्छे से समझना. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ही अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा तो हमेशा इट्स आएगा. ही डज नॉट स्मोक, जैसे आज का था शी वॉक्स ओकेजनली, तो वॉक्स में एस लगाओ ओकेजनली. आई नो आपको आता है, पर ये गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये गलती फिर बार बार हो जाती है. शी डज नॉट डू एक्सरसाइज, ऐसे लिखो. सो प्लीज अंडरस्टैंड, दीज स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, हमेशा एस ई एस के साथ ही रहेगा. अगर आपको कभी कभी कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे बोल के देख लो. जब प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको कंफ्यूजन होती है, अगर कभी भी कंफ्यूजन होती है तो फर्स्ट फॉर्म में कंफ्यूजन होती है. जैसे शी प्रेफर्स वॉकिंग या शी प्रेफर्स सिटिंग, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लेकिन कभी 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 आपको अगर कंफ्यूजन हो जाती है शी प्रेफर्स में एस लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसको कॉन्टिन्यूस बना के देख लो. शी इज ईटिंग, तो जब आप लिख रहे हो शी इज ईटिंग, यानी ये जो शी है ये एस के साथ आता है. आप कहोगे बाकी भी तो एस के साथ आते हैं, नहीं, ही भी एस के साथ आता है, ही इज ईटिंग, और ऐसे ही इट भी एस के साथ आता है, इट इज हैपनिंग. कहने का मतलब ही शी इट होते हैं जो, वो हमेशा एस के साथ आते हैं, लेकिन बाकी सबको देखते हैं वी आर ईटिंग, तो वी भी इज एम आर में से आर के साथ आता है. वी आर गोइंग, ये भी इज एम आर में से आर के साथ आता है. दे आर ईटिंग, यानी दे भी इज एम आर के साथ में से आर के साथ आता है, इसके साथ नहीं आता. अगर आप यू करोगे, यू आर इटिंग, तो ये भी इज एम आर के साथ आता है. तो यानी ये जो वी, दे और यू हैं, ये एस के साथ नहीं आते, जबकि ही शी इट जो हैं, ये हमेशा एस के साथ आते हैं. तो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी यूज करते हो, यानी फर्स्ट फॉर्म को भी यूज करते हो, तो भी ये एस के साथ ही आएंगे. शी ईट्स, शी गोज, शी डज नॉट. यानी आपको अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन होती है कि इसके साथ एस आएगा, यहाँ पे तो आसान है, अब आपको यहाँ पे तो समझ आ रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप लिखते हो फिजियोथेरेपी, पैसिव वॉइस बनाते हो, नीड्स टू बी कंटिन्यूड, तो यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बनाना है लेकिन यहाँ पे एस लगाना है, क्योंकि फिजियोथेरेपी का मतलब एक चीज, एक चीज का मतलब इट. सोच के देखो ना, ये इट ही तो है, इट नीड्स टू बी कंटिन्यू. तो अगर आप ऐसी लाइन भी बना रहे हो, ही वॉज गिवन फिजियोथेरेपी, तो पी को छोटा करोगे, ही वॉज गिवन फिजियोथेरेपी. अगर आपको कनेक्टर भी लगाना है विच, तो यहाँ पे विच जो लगा है वो फिजियोथेरेपी के लिए लगा है, तो यहाँ पे नीड्स आएगा, विच नीड्स टू बी कॉन्टिन्यू. प्लीज इस बात को समझ लो. अगर ये दो चीजें हो जाती हैं, फिजियोथेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी वर गिवन, तो देखो यहाँ से भी तो ये वॉज के, यहाँ पे देखो ये वॉज के साथ आ रहा था, यानी अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं, सॉरी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फिजियोथेरेपी वॉज गिवन, अगर ऐसे लिख के देखते हैं फिजियोथेरेपी वॉज गिवन, तो देखो ये यहाँ पे भी जो मैंने आपको बताया है, ये हमेशा एस के साथ आया है, फिजियोथेरेपी वॉज गिवन, इसलिए ये नीड्स में भी एस आएगा. जब फिजियोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी दो होगी तो ये दे बन गए. अब देखो दो हो गए ना, तो ये इट नहीं रहे, ये दे हो गए. सो दे फिजियोथेरेपी वर गिवन, दो चीजें दी गई,
अब ये भी विच नीड टू बी कंटिन्यूड। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से समझ लो, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए जो आपको इस चीज से रिलेटेड तंग करे। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती बहुत बार हो जाती है, जैसे आज के केस में था, ब्लड शुगर लेवल एंड यूरिन नीड टू बी मॉनिटर्ड, तो ज्यादातर बच्चों ने ऐसे लिखा। तो प्लीज समझो, ये मार्क्स हमें नहीं गंवाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, इनको नहीं गंवाना है। फिर ये दो चीजें होगी, ब्लड शुगर लेवल एंड यूरिन, दो चीजें होगी, तो यहाँ पे नीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स लेने के लिए। प्लीज अच्छे से समझो, ऐसे शी डज वेरी लिटल एक्सरसाइज, शी डज नॉट डू एक्सरसाइज, या शी डज लिटल एक्सरसाइज, कम एक्सरसाइज करती है। सो जब भी आप लिखते हो तो प्लीज समझो कि ही शी इट जो होते हैं वो हमेशा, और आपको कमाल की बात है, अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, आपकी एक और प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी जो आपको अभी नहीं पता लग रही, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखना आपको ऐसे लगेगा अरे यार ये तो बड़ा ही आसान है। देखिए अब एक और चीज देखते हैं, ये जो ही शी इट है ना, यही वो लोग हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आते हैं, ही हैज गिवन, शी हैज गिवन, इसमें भी ये एस के साथ ही आते हैं, जैसे यू आ जाता है तो हैव बन जाता है, दे आता है तो हैव बन जाता है, वी आता है तो भी हैव बन जाता है। यानी ये रूल प्रेजेंट परफेक्ट में भी एप्लीकेबल होता है, यानी कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं और टुडे विजिट में लिखते हैं, टुडे द पेशेंट, एक पेशेंट यानी हैज बीन फाउंड विद, और अगर मैं कहूं टुडे द पेशेंट्स, पेशेंट्स के पेरेंट्स, अब ये पेरेंट्स हो गए प्लूरल, तो यहां पे आ जाएगा हैव बीन फाउंड विद। ये रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि ही शी इट जो होते हैं, यहाँ पे ये ही या शी है तो ये हमेशा एस के साथ आएगा, हैज वाला, एस वाला, हैव के साथ जो एस नहीं है वो आएगा जब प्लूरल हो। तो प्लीज अंडरस्टैंड, तो जब भी आप लिखते हो फिजियोथेरेपी वॉज गिवन विच नीड्स टू बी कंटिन्यूड, वैसे तो आप इतना आसानी से याद कर सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे एस के साथ लगाया वॉज, तो यहाँ पे भी एस लगाना है, ऐसे भी याद कर सकते हो। और अगर आपने कहा फिजियोथेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी वर गिवन, तो आपको लगाना है विच नीड टू बी कंटिन्यू। इस रूल में प्लीज कोई गलती मत करो, तभी आप गलती से लिख देते हो शी हैव डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन, तो आपसे गलती हो जाती है, आप सोचते हो ये दो हैं, इनके ऊपर नहीं डिपेंड करता, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो शी हैज, शी इसको देखो, सब्जेक्ट को देखो, शी हैज, अगर ये दे होता, दो जने होते, तो हम कहते दे हैव डिप्रेशन, चाहे आप खाली डिप्रेशन अकेला भी लिख दो, ये इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, बाद वाली चीज को मत देखो, बाद में क्या है। अगर आप उल्टा लिख रहे हो डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन वर डायग्नोस्ड, तो ठीक है, दो चीजें हैं, अगर अकेला डिप्रेशन है तो डिप्रेशन वॉज डायग्नोस्ड, देखो यही सिंगल, यही सेम रूल है ही शीट वाला, तो ये रूल आपको बार बार तंग करता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज राइट इट 50 टाइम्स, मतलब आपको मजाक लग रहा होगा, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट ओईटी की चीज है जो आपके मार्क्स देती है और बिगाड़ती है। और स्पीकिंग में भी, जब कभी स्पीकिंग ऐसी आती है, जब आप कहते हो, जब थर्ड पर्सन टास्क आ जाता है, आपके उसके फादर का टास्क आ जाता है, मतलब जो बात करने वाला होता है वो पेशेंट नहीं होता, वो पेशेंट का बेटा होता है, तो आपको लगाना पड़ेगा डज योर फादर, क्योंकि फादर कौन है, सिंगुलर, यानी डज ही डू एक्सरसाइज, और एक ही बार लगाना है, क्योंकि अब एस एक बार आ गया डज में, तो दो बार नहीं लगाना, डज ही डू एक्सरसाइज, डज ही वॉक, Does he smoke? तो जब थर्ड पार्टी का टास्क आएगा स्पीकिंग में, Does he drink? ये आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देगा, और जब do वाला है तो do you smoke? जब you है, he, she, it को छोड़ के कुछ भी। So please
अंडरस्टैंड दिस इम्पोर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर. और आज जो मेन गलतियां थी जिसके कारण मैंने ये चॉइस ली वो ये थी, ब्लड शुगर लेवल एंड यूरिन दो चीजें हो गई हैं तो नीड टू बी मॉनिटर्ड. टुडे द पेशेंट हैज बीन फाउंड विद. और प्लीज अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इज एम आर के साथ उस चीज को लगा के देख लो, जैसे फिजियोथेरेपी इज बींग गिवन, फिजियोथेरेपी वॉज गिवन, फिजियोथेरेपी एक चीज है. तो प्लीज इस रूल को अच्छे से करना, और प्लीज इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, पर प्लीज इस रूल को अच्छे से करना ताकि हमें बार बार, अगर ये गलती ठीक होगी ना तो आप समझ लेना आपके कम से कम 20% चांसेस बढ़ गए हैं पास होने के. सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप इसके अलावा आपसे डिस्कस करना चाहता था, जो आपको तंग करता है, अब ये तो समझ आ गया एस कहाँ पे लगना है और कहाँ पे एस नहीं लगना, मतलब इज कहाँ पे आना है, वॉज कहाँ पे आना है, ये समझ आ गया, हैज कहाँ पे आना है, और ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म के साथ ईट्स कहाँ पे आना है, ये सब ही शीट के साथ आना है, ये तो समझ आ गया. बहुत बढ़िया हुआ, ये हमें अच्छे से समझ आ गया कि कहाँ पे क्या आना है और क्या नहीं. सेकंड क्वेश्चन आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके अब आता है, ये तो समझ आ गया, अब आता है अगला क्वेश्चन, इज कहाँ पे आना है और हैज कहाँ पे आना है, ये भी बड़ा तंग करता है. अब जैसे शी हैज नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन, अब प्लीज इसे अच्छे से समझना, बड़ा इजी है ये भी. और इसके अलावा जो नेक्स्ट मैंने पढ़ाना है वो भी मैं लिख लेता हूँ ताकि मैं भूलू ना. नेक्स्ट जो मैंने आपको पढ़ाना है वो पढ़ाना है, आज क्या वर्ड था, शी इज डिसअपॉइंटेड ऐसा कुछ वर्ड था, तो वो मैं आपकी हेल्प ले लूंगा जानने में कौन सा वर्ड था. या शी इज कंसर्न्ड, शी इज वरीड, तो ये मेरे को आपको ये डिफरेंस वर्ड बताना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा ये तो मेरे को आता है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही शी इज ऐसा कोई वर्ड था जो मैं आपसे पूछ लूंगा, अभी आज मेरी बात हुई थी सो आई विल डू दैट, लेकिन पहले मैं ये पढ़ाता हूँ आपको. इज कहाँ पे आना हैज कहाँ पे, जब भी वो इंसान खुद है, यानी कि जब आप हिंदी और पंजाबी में बोलते हो वो है नाइस, तो आप कहते हो वो बंदा खुद है नाइस, शी इज नाइस. ऐसे ही जब आप कहते हो वो है एंग्शियस, आप कहते हो वो खुद है ना, तभी तो आप कहते हो शी इज एंग्शियस. इस बात को समझो, जब भी इंसान खुद होगा तो वो बोलेगा इज एम आर में कि वो बंदा खुद है, शी इज एंग्शियस, और ऐसे ही आपको लिखना है. लेकिन जब कोई चीज वो लिखता है, वो रखता है She has hypertension. तो अगर हम इसको हिंदी और पंजाबी में बोलेंगे तो हम कहेंगे उसको, और पंजाबी में कहेंगे ओनु hypertension है. तो जब भी आप हिंदी पंजाबी में ऐसा सोच रहे हो उसको, तब आप लिखो she has. अब आता है सेम वर्ड नोन केस, she is a case, she is नोन केस ऑफ डिप्रेशन. तो इसको हिंदी में लिख के देखते हैं, वो डिप्रेशन का केस है, यानी वो खुद है, तो यानी ये इज़ेमार वाला वर्ड है. ये भी आपको आता है जैसे आपको वो आता है, लेकिन गलती कर देते हैं इसलिए प्लीज समझो. अब जैसे ही यहां पे वर्ड आएगा डिप्रेशन, अब जैसे डिप्रेशन है तो शी हैज डिप्रेशन या शी इज केस ऑफ डिप्रेशन, She is, थोड़ा सा और करके देखते हैं इसके बारे में, आपको काफी समझ आ गया होगा, फिर भी एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि फिर डाउट ना रह जाए. She is disappointed. ये वर्ड बड़ा तंग करता है, इस वर्ड को ऐसे मत सोचो ये पैसिव वॉइस है, बस ऐसे समझो वो नाइस है, वो आपसे डिसअपॉइंटेड है, तो वो खुद डिसअपॉइंटेड है, तो इसको सिंपल समझो शी इज डिसअपॉइंटेड. तो आज का वर्ड जो मुझे याद नहीं आ रहा था वो डिसिप्लिन्ड था, शी इज नॉट वेरी डिसिप्लिन्ड विद हर डाइट, शी इज नॉट डिसिप्लिन्ड विद हर डाइट. कहने का मतलब
वो अपनी डाइट के साथ डिसिप्लिन्ड नहीं है। अगर आप इसको किसी और तरीके से लिखना चाहते हो और हैज हैव यूज करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। वो आप ऐसे कहोगे, उसका डिसिप्लिन नहीं है, यानी शी डज नॉट या शी हैज नो डिसिप्लिन, यानी ये वो चीज हो गई, वो खुद नहीं है डिसिप्लिन। खुद तो डिसिप्लिन होता है यार, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं डिसिप्लिन हूं, आई एम वेरी डिसिप्लिन, इज एम आर वाला वर्ड है जब डिसिप्लिन बन जाता है। लेकिन डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन वर्ड होता है वो बंदा रखता है, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है यार, आई हैव नो डिसिप्लिन, तो ये वर्ड ही ऐसा है। तो पहले तो आपको पकड़ना है कि इज एम आर वॉज वर आएगा या हैज हैव आएगा। फिर वही वाला रूल, शी के साथ हैज, आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव, यू के साथ हैव, और ही शीट के साथ हैज। ही हैज नो डिसिप्लिन। अगर आप लिखना चाहो डज के साथ तो भी लिख सकते हो, ही डज, तो डज में एस आ गया है तो दूसरी बार एस नहीं आएगा, इसलिए हैज का हैव बन जाएगा, शी डज नॉट हैव डिसिप्लिन। तो आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। प्लीज लिख के देखना, मुझे पता है आप सबको आता है, लेकिन आप प्लीज कभी सोच के देखो कि मुझे भी आता है, फिर भी मैं आपके लिए लिखता हूं ना, फिर भी मैं रिस्क नहीं लेता ना, फिर भी मुझे लगता है ना कि मेरे बच्चों को भी उतना ही अच्छे से आना चाहिए जितना मेरे को अच्छे से आता है, कि गलती से भी गलती ना हो, ना सिर्फ राइटिंग करते हुए बल्कि बोलते टाइम भी गलती ना हो। उसके लिए लिख के देखना पड़ेगा। इसको प्लीज इजी मत लेना, लिखना, ये आपको बहुत मार्क्स दिलवाएगा। आज का पूरा टॉपिक इजी था, नीड्स में एस रह गया, विच नीड्स टू बी कंटिन्यूड, विच नीड टू बी कंटिन्यूड, सबकी गलतियां निकली हैं ये वाली। शी इज नॉट वेरी डिसिप्लिन, जब अगेन जब बंदा खुद होता है, चाहे वो डिसअपॉइंटेड हो, शी इज डिसअपॉइंटेड, वो खुद है। इसको हिंदी में बना के देखो, शी इज डिसअपॉइंटेड, यानी कि वो खुद है डिसअपॉइंटेड। तो इस वर्ड को ऐसे लिखो, शी इज डिसअपॉइंटेड, पर गलती मत करो। वैसे ही तो है, वो है नाइस, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ना, वो नाइस है को, तो इंग्लिश में इस बीच में आ जाता है ना, शी इज नाइस। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दीज टू थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। शी इज वरिड, शी इज कंसर्न, ये सारे वर्ड जो वो खुद है, वो वरिड है, वो है वरिड इस चीज को लेके, तो शी इज वरिड। बस इसके बाद एक वर्ड लगाओ रिगार्डिंग, जो भी आपने बताया कहना है, जो भी आपको शी इज कंसर्न या शी इज वरिड, रिगार्डिंग वर्ड लगाओ। रिगार्डिंग का मतलब होता है अबाउट, यानी कि किसी के बारे में, तो शी इज वरिड अबाउट डायबिटीज, या शी इज नॉट वरिड रिगार्डिंग डायबिटिक डाइट, उसको भाई कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही वो अवेयर नहीं है, शी इज नॉट अवेयर। सबसे बड़ी गलती जब होती है अनेबल वर्ड, शी वॉज अनेबल, ये भी एबल का मतलब होता है लायक, यानी इसकी इंग्लिश भी बनती है, वो लायक है चलने के, यानी शी इज एबल टू वॉक, वो चलने के लायक नहीं है, शी इज अनेबल टू वॉक। तो अनेबल और एबल वर्ड भी हमेशा इज एम आर के साथ आता है, शी इज अनेबल टू वॉक, शी इज एबल टू वॉक। प्लीज ये इज एम आर वाले वर्ड समझ लो, और जैसे ही कोई चीज रखने वाली आ जाएगी, जिसे वो पेशेंट रखता है, तो शी हैज डिप्रेशन, वो खुद डिप्रेशन नहीं है, वो डिप्रेशन को रखता है, और वही हिंदी में बताया है, उसको डिप्रेशन है या फिर ओनू डिप्रेशन है। तो पंजाबी और हिंदी में आप ऐसे पहचान सकते हो इन वर्ड्स को। लेकिन वैसे चाहे वो डिप्रेशन को चाह के रखे, चाहे वो बिना चाहे रखे, वो रखने की चीज है डिप्रेशन। अगर वो खुद है, ये गलती बार बार होती है, तो शी वो खुद क्या है, वो डिप्रेसिव है या डिप्रेस्ड है, शी इज डिप्रेस्ड, तो इज एम आर के साथ वो डिप्रेस्ड है। ऐसे ही हाइपर टेंशन वो रखता है, शी हैज हाइपर टेंशन,
बट हाइपरटेंसिव वो खुद है, करके देखो, वो है हाइपरटेंसिव, वो है हाइपरटेंसिव, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं वो है हाइपरटेंशन, वो खुद थोड़ी हाइपरटेंशन है, वो हाइपरटेंशन को रखती है, यानी ओनू हाइपरटेंशन है, ये ओनू वाला वर्ड था। सो इस वाले में शी हैज हाइपरटेंशन। तो प्लीज इसको समझो, गलती मत करो, एक दिन इसके साथ स्पेंड करो। आज का लेटर बहुत ही सिंपल था, सबको अच्छे अच्छे मार्क्स लेने चाहिए, और वो आप सब कुछ लोग बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं, पर ये छोटी छोटी गलतियों के कारण आप मार्क्स ना खो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो दिस इज वाई दिस क्लास वॉज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई रियली वॉन्टेड कि आप में से किसी को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंड यू ऑल शुड बी एबल टू गेट द जिस्ट ऑफ इट। अब मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, पर फिर भी किसी को कोई पर्टिकुलर डाउट है इस चीज को लेके अभी भी, तो वो मेरे को बता सकता है। कोई भी डाउट प्लीज। इज इट ओके? यस सर, यस और अगेन मैं सर। सर अगर हमने इनकरेजमेंट लगाना है तो वहां पे नीड्स आएगा ना, इनकरेजमेंट नीड्स टू बी गिवन फॉर वेट लॉस। एनकरेजमेंट कितने सारे लोग हैं सर मतलब मैंने ऐसे बनाया, इनकरेजमेंट नीड्स टू बी गिवन, देखो फिर आप अपना मेथड लगा, एक ऐसा ये सर एक है ऐसे बोलो, एक है ना, यानी कि इट है, इट है टू बी, ठीक है, तो इसको इट को हटा देते हैं। और सर जो डिसिप्लिन बना था सर वो मैंने ऐसे बनाया, मिसेस विलियम इज नाइदर सीरियस नॉट डिसिप्लिन अबाउट डाइट। हाँ, लेकिन आपका वर्ड तो ये लिखा ना कि शी इज नाइदर सीरियस, यानी सीरियस वर्ड, यानी वो सीरियस नहीं है, यानी वही वो वाला वर्ड है, वो का मतलब इस एमआर वाला वर्ड है, शी इज नाइदर सीरियस नॉर डिसिप्लिन्ड, वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, यानी वो वाला वर्ड है, यानी दोनों वर्ड इज वाले हैं, तो शी इज नाइदर सीरियस नॉर डिसिप्लिन्ड अबाउट हर, दिस इज अ वेरी नाइस लाइन। यस सर, इज इट ऑल गुड फॉर एवरीवन? Yes, sir. Okay, then. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Our contact number is 769-67-34256. Thank you.